जब आए थे जय ऑटो रामा रोड, सोनू भाई अपने साथ हैं। और क्या दिखा रहे हो आज? आज मैं दिखा रहा हूँ आपको लाडली टू, दूसरी लाडली भी बन चुकी है, डुप्लीकेट लाडली। तो इसमें फ्रंट ग्रिल पे हमने चेंजेस कराए, इसके जो सेवन पीसेस स्लॉट होते हैं वो पूरे चेंजेस हो चुके हैं। लाइट डीआरएल विद बेजल पूरी चेंज हो चुकी है, देख सकते हैं दोनों साइड। ये विदाउट सेंसर वाली है, ठीक है। टॉप वेरिएंट वाली हेडलैम्प भी आज लगी हुई है। प्रोफाइल में चले हो 17 इंची अलॉयमेंट इसके अंदर कर दिए, जो कि टॉक टायर में आते हैं। तो ग्रैब हैंडल्स भी हमने इसमें चेंज करे हैं, जो Z2 में अपने ये वाले हैंडल्स नहीं आते। ये अपना वाइपर वर्किंग है या डमी है? डमी है, ठीक है, डमी है, आज डमी है। तो सोनू भाई के चढ़ने के लिए एक चीज लगवा दी है इसमें, सभी हम तो लगा दिए, अब सब चढ़ेंगे इसमें। ये पकड़ के चढ़ लो आप, तो 360 इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये देखो, ये दोनों साइड के मिरर्स के व्यू हैं। तो सोनू भाई एक नई चीज दिखा रहे हैं, तो सोनू भाई क्या आई है? वायरलेस चार्जर है महिंद्रा का, देख लो। ठीक है, देखो चार्ज होना शुरू हो गया। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जय ऑटो रामा रोड, सोनू भाई अपने साथ हैं। और क्या दिखा रहे हो आज? आज मैं दिखा रहा हूँ आपको लाडली टू, दूसरी लाडली भी बन चुकी है, डुप्लीकेट लाडली। ठीक है, लाडली के दो पार्ट तो देख लिए होंगे, लेकिन आज आपको सिमिलर उसके जैसी एक हमने गाड़ी करी है आउटर से कवर, लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर हमने ऐड महिंद्रा जेन्युइन करी हुई है। हम उसे कहेंगे डुप्लीकेट टू, मतलब लाडली डुप्लीकेट टू हो गई। ठीक है, एक डुप्लीकेट बन चुकी है लाडली की। तो अपने पास सोनू भाई आज आई कितनी गाड़ियाँ हैं? तीन चार गाड़ी आई हुई है। अब ज्यादा रश नहीं है, ठीक है, रश नहीं है, क्योंकि ये देखो एक तो ये खड़ी है, ये जा रही है, इसका ये जा रही है, इसका हो चुका है काम। एक S11 है, उसके आगे एक N और खड़ी हुई है, एक N खड़ी है, एक सुबह जा चुकी है। ठीक है, तो मेन अपनी जो आज की गाड़ी है वो दिखा देते एक बार, लाडो को भी दिखा दो। ठीक है, ये देखो, ये रही अपनी लाडो XUV700। आप दिखाते हैं डुप्लीकेट लाडली। ठीक है, दिखाओ आज कहाँ है। ये देखो अंदर खड़ी हुई है, ये नहीं कि हम वही वाली गाड़ी दिखा रहे हैं, ये अलग है, अलग। ये देखो गुजरात नंबर है। ठीक है, गुजरात नंबर है, गुजरात से आई है, और सेम हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग जैसे हमने PPF करा था, बाहर से इन्होंने सेम वही काम रखा है, मिलता जुलता, मतलब PPF हमारे में थोड़ा सा एग्रेसिव लुक था, क्योंकि टायर्स वगैरह हमने चेंजेस करे हुए थे, 20 इंची लगाया। मैं भी सोच रहा हूँ 18 इंची या 17 इंची में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, करना चाहिए नहीं, आप कमेंट बता देना। फ्रंट से एक बार दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, इसमें जो काम हुआ। ठीक है, क्या क्या चेंजेस करा हुआ आज? सबसे पहले तो PPF देख सकते हो, मैट वाली PPF हो रखी है पूरी गाड़ी, सेम PPF हो रखी है। ठीक है, अपने पास भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको ये तीनों मिल जाएगी अवेलेबल, ये भी PPF हमारे पास होती है। सबसे पहले फ्रंट में आते हैं, तो इसमें फ्रंट ग्रिल पे हमने चेंजेस कराए, इसके जो सेवन पीसेस स्लॉट होते हैं वो पूरे चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, सेवन पीस स्लॉट चेंज हो चुका है इसके। फोक DRL नीचे 6 होते हैं, अपर वाला 7th होता है, और नीचे फोग लाइट DRL विद बेजल पूरी चेंज हो चुकी है, देख सकते हैं दोनों साइड। ये विदाउट सेंसर वाली है? हाँ, विदाउट सेंसर वाली है, सेंसर वाली भी मिल जाती है, मगर मोस्टली अब यही लगती है विदाउट सेंसर। और हमने इसमें विद कॉम्बिनेशन ही इंस्टॉल करा है, जेन्युइन महिंद्रा पार्ट रहने वाला। बाकी इसके हेडलैम्प्स में LED है? नहीं, हेडलाइट LED नहीं है इसके अंदर, हेडलाइट चेंज है, टॉप मॉडल वाली इसमें LED है। ठीक है, टॉप वेरियंट वाली हेडलैम्प भी आज लगी हुई है, आज इसकी ब्राइटनेस दिखाएंगे, इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा करके दिखाएंगे इसकी क्या ब्राइटनेस है, और जो LED की ब्राइटनेस आती है वो अलग चीज़। जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि LED पे स्विच होना अगर ब्राइटनेस पर्पस के लिए चाहिए, कस्टमर को चाहिए थे टॉप मॉडल वाली लुक, तो उसने अपने हिसाब से लगाई, उसे बताया कह रहा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक बार आपको सारी चीज़ें जला के दिखाते हैं। नीचे से स्किड प्लेट नहीं लगाई आज, सिल्वर ब्लैक पार्ट रखा ना, जैसे लाडली का रखा वैसे ब्लैक पार्ट रखा। ठीक है, सेम, पर हमारे लाडली में फ्रंट की जो 7 स्लॉट ग्रिल है वो नहीं लगी हुई थी, वो नहीं लगी, फुल ब्लैक रखा हुआ। ठीक है, उसको हमने जो Z2 में आती है ग्रिल, तो सेम वही रखी। बोला भी था शायद वीडियो में कि आगे फ्यूचर हम चास हो सकता है हम चेंज करें, ग्रिल क्रोम रखें या पियानो ब्लैक करें। तो आप ये देख के बताओ कि सूट कर रही है इसके साथ या फिर अपनी लाडली वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, एक बार सोनू भाई लाइट्स वगैरह चला के दिखा दो। तो अभी इसमें हमने इग्निशन ऑन करा तो DRL जल गई, DRL जल चुकी है। ठीक है, तो एक बार आपको लाइट का रिस्पांस दिखाते हैं इसका। ठीक है, ये इसकी लो बीम है, हाई बीम करना, ये हाई बीम है, और रिस्पांस बिल्कुल जीरो, इससे बेटर तो हमें LED में मिल जाता है डबल। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा, कई जैसे हमारी 120 वाट वाली है इससे डबल है, और 165 वाली इससे तो ट्रिपल ही है, समझ लो बहुत शानदार है उसकी। ठीक है, मतलब इसकी एक हेडलाइट जितनी उसके तीन एक ही बल्ब दे देता है, हेडलाइट के बराबर है। ठीक है, इसलिए तो एक बार ना हम इस वीडियो में पूरी कंपैरिजन के साथ दिखा देते हैं इसकी ब्राइटनेस लाइट्स ऑफ करके कि कितना ब्राइटनेस है इसके अंदर। मैं पूरी लाइट बंद करके आता हूँ फिर दिखाता हूँ।
तो अब आपको एक बार लाइट्स ऑफ करके इसका रिस्पांस दिखाते हैं। पूरी लाइट देख सकते हो बंद है, बस एक अंदर की जल रही है, वो माइंड मत करना, वो थोड़ी बहुत तो जलेगी जलेगी। अब ये एक बार इसकी DRL ऑन करते हैं। DRL ऑन हो गई, इग्निशन ऑन करो। ये देखो ये DRL है इसकी, ठीक है। अब लो बीम जलाना, चल गया, ठीक है। ये लो बीम है और हाई करना, ये हाई बीम है, बिल्कुल भी नहीं है। जीरो जीरो है हमारे LED सेटअप के आगे। बस ये एक लुक देता है कि हमारे टॉप मॉडल की हेडलाइट डली हुई है, ठीक है। एक बार फ्रंट से दिखा देते हैं। फॉग लाइट जलाना कॉम्बिनेशन के साथ है। ये देखो फॉग लाइट भी जल गई है। बाकी इसमें हमें एक मैट्रिक्स इंडिकेटर्स मिल जाता है ऑप्शन, बस वही है, वही चीज है। बस इसमें रोशनी के नाम पे जीरो है, ठीक है। फ्रंट से भी देख लो, कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है इसकी लाइट। और जो अभी इसके सामने हम खड़े हैं, देखो इसकी लाइट में हम देख सकते हैं, मगर जब LED लगेगी ना उसकी लाइट में आप देख भी नहीं सकते, ठीक है। आप सामने से देखोगे ना आप देख ही नहीं पाओगे, फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो इसकी इसमें होती है LED चिप होती है इसके अंदर। हाँ, LED चिप होती है सिंगल वाली, और उसमें ट्रिपल होती है, ठीक है। और दोनों भी मॉडल का डबल हो जाती है उसमें, ठीक है। तो फ्रंट से यही सारा है करा हुआ। एक बार लाइट्स ऑन करते हैं। तो इसकी आप हेडलैम्प्स देख सकते हो, नीचे मैट्रिक्स में मिल जाता है हमें इंडिकेटर, ठीक है। बस यही है, इसी के लिए लोग लगवाते हैं बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बाहर से पता ना चले बेस वेरिएंट है या कौन सा वेरिएंट है। टॉप मॉडल की हेडलैम्प्स लगवा सकते हो, स्टॉक में तो है हमारे पास, हमेशा रहती है स्टॉक में। तो वो तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, LED लगवाओ या टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लगाओ, दोनों हमारे पास अवेलेबल रहती है, ठीक है। साइड से दिखाते हैं, साइड से क्या चेंजेस करा हुआ। साइड प्रोफाइल में चले जाओ, 17 इंची अलॉयमेंट इसके अंदर कर दिए, जो कि स्टॉक टायर में आते हैं, ठीक है। सेम टायर के अंदर 17 इंचेस वाले अलॉयज इंस्टॉल करें हम, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टायर के पैसे भी बच जाते हैं अगर 17 डलवा रहे हो। अगर अपर चाहिए 18 में चाहिए तो टायर चेंज होगा, वो अलाव 54,000 रुपये के हैं, और उसके साथ टायर डिफरेंस अलग होता है, ठीक है। टायर डिफरेंस अलग आता है, बाकी मड वो भी लगा है इसमें, मड गार्ड, मड फ्लैप भी लगा है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो मड फ्लैप भी इंस्टॉल करा हुआ है इसमें, और नीचे देखोगे तो आपको महिंद्रा जेन्युइन फुट रेस्ट है, जो कि महिंद्रा जेन्युइन रहता है फुट रेस्ट, ठीक है। तो इसमें एक सिल्वर वाला भी आता है, सिल्वर भी आता है इसमें, ठीक। पर अब मोस्टली हम ब्लैक ही लगाते हैं, लगवाते ही लोग ब्लैक हैं, सिल्वर की डिमांड ही बहुत कम है, ठीक है। तो साइड से जैसा हम जो स्केड फ्रंट बैक करते थे सिल्वर, यहाँ भी करवा सकते हो अगर आपको करवानी है, मगर इसको फुल ब्लैक, फुल ब्लैक रखना था, ठीक है। लोअर गार्निश अपना रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट पार्ट है, सी गार्निश अपनी पेस्टिंग है, ठीक है। फ्रंट फोर, फ्रंट एंड बैक फोर, जो लास्ट का क्वार्टर ग्लास का है, ये हम पेस्टिंग लगाते हैं, डिफरेंस देख लो, ठीक है। ये थोड़ा मैट फिनिश में आता है, ये शाइनी में आता है, यहाँ से पता लग जाएगा पेस्टिंग वाला। और ऊपर डोर वाइजर देख सकते हो आप पूरी, ठीक है। स्कॉर्पियो एन की ये देख सकते हो, एन हाइलाइटेड मिलेगा आपको, ये आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट है, सबसे लुक अच्छी देता है ये, ठीक है। तो ग्रैब हैंडल्स भी हमने इसमें चेंज करे हैं, जो Z2 में अपने ये वाले हैंडल्स नहीं आते ना, बॉडी कलर आते, बॉडी कलर आते, ठीक है। और ना आपको मिरर फोल्डिंग मिलता है इसमें, तो इसके अंदर चेंज देख सकते हो, मगर ये एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। जस्ट अ डमी है, आपको अगर शो के लिए चाहिए तो आप लगवा सकते हो, मगर लुक ये वही देता सेम, ठीक है। लुक के वाइज ये सेम आपको देगा, लेकिन ये जो साइड मिरर है ये भी हमने पूरा रिप्लेस करा है, वरना इसको पहले ऐसे सेट करना पड़ता था। अब इलेक्ट्रॉनिक देख सकते हो ना, ये स्विच लगा हुआ, ठीक है, पूरा रिप्लेस करा हुआ है मिरर ही। देखो स्विच लग गया, ये फोल्ड हो गया, ये अनफोल्ड हो गया, फोल्ड हो गया, और ये देख सकते हो की कोडिंग करिए, की कोडिंग हुई है पूरी, और ये मिरर है अपना की के साथ साथ, ये देखो इसके लिए रिले ऐड ऑन करना पड़ता है, ये लॉक हो गया और ये अनलॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया, ठीक है। दोनों चीज इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अंदर से भी कर सकते हो आप, और गाड़ी जब लॉक करनी हो उसके साथ भी अपना आप ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने करा हुआ है, और कोडिंग अपने यहीं पे हुई है, कहीं बाहर तो नहीं लेके गए, कोडिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कि कहीं गाड़ी बाहर भेजनी पड़ेगी, कहीं भेजनी पड़ेगी, अपने वन रूफ स्पेस में, मतलब सारा काम यहीं होगा आपका, ठीक है। यहीं पे ही हुआ है, ये नहीं कि आपकी गाड़ी लेके कहीं गाड़ी लेके कोडिंग के लिए जाना, सब कोडिंग वोडिंग सब यहीं पर होती है, लैपटॉप वैपटॉप सब ले लिया हमने, ठीक। अब यहीं पर कोडिंग करते हैं, ठीक है, यहीं कोडिंग हो जाती है इजीली। तो साइड से बस यही करा हुआ है हमने, साइड से यही करा हुआ, बस एक ऊपर रूफ रेल हमने सिल्वर लगा दिया, महिंद्रा जेन्युइन, ठीक है। ये देखो ये अपना बोल्ट के नट बोल्ट के साथ इंस्टॉल होता है, और सभी लोग ये पूछते हैं कि भाई रूफ में लीकेज तो नहीं आएगी, भाई लीकेज बिल्कुल भी नहीं आएगी। स्टार्टिंग में एक आध गाड़ी में आई थी, वो हमें पता नहीं था कि होल के बाद हमने सीलिंग भी करनी है इसमें, अब इसके अंदर प्रॉपर सील कर सील भरते हैं ऊपर भी और नीचे भी बोल्ट डालने के बाद, ठीक है। मेरे ख्याल से एक लास्ट गाड़ी के बाद अभी तक कोई एक सिंगल गाड़ी की कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि जिसमें लीकेज की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। वो एक में आई थी
फिर उसके बाद तो अभी तक हम जो जिस प्रोसेस से कर रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरी प्रॉपर सीलिंग भरते हैं ऊपर भी और नीचे भी, जब रूफ खोलते हैं पूरी सीलिंग भरी जाती है अच्छी तरह से, हवा भी नहीं जा सकती, पानी की बूंद की तो अलग बात है। ठीक है, अगर आएगी भी पानी का टेस्ट करवा देंगे सोनू भाई की लाडली में ही पानी डाल के ऊपर से। लाडली में क्या, आपकी गाड़ी में भी अगर होल करने के बाद और पूरी पेस्टिंग वेस्टिंग रूफ रेल लगाने के बाद चेक करा देंगे दो बाल्टी पानी भर के। ठीक है, अगर लीकेज आ जाए तो हमारी गारंटी। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, सारी प्रोवाइड करके देंगे सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बैग से क्या क्या चेंजेस करा हुआ है? बैग से आ जाओ आप, बैग में जो उसकी चेंजेस हुई है, एक बम्पर में ग्रिल लगी है, ये क्रोम लगा हुआ है अपना बम्पर क्रोम। ठीक है, नीचे स्किड आप सिल्वर करवा सकते हो, ऑप्शन है। ये अपना वाइपर वर्किंग है या डमी है? वर्किंग नहीं है, डमी है। ठीक है, डमी है, आज डमी है, देख सकते हो। ठीक है, आपको अगर वर्किंग करवाना है वो भी करवा सकते हो आप। वर्किंग में और डमी में फर्क नजर आता है, पीछे से इसके नीचे रबड़ आती है। ठीक है, और डमी में इसमें बोल्ट नजर आता है। ठीक है, डमी में आपको देखो बोल्ट दिख रहा है, ये बोल्ट के साथ मिलेगा, और जो ओरिजिनल आप वर्किंग करवाओगे तो उसमें प्रॉपर यहाँ पे आता है कुछ। हाँ, मोटर के अंदर रबड़ जो आती है, रबड़ की पैकिंग आती है, मोटर वगैरह पैकिंग वगैरह सारी चीजों के साथ इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये बस डमी है, अगर फ्यूचर भैया का प्लान हुआ तो इसमें ही लग जाएगा। बैक से स्पॉइलर की भी नीड होती है Z2 में, तो स्पॉइलर बाद में लगा, इसको बाद में हम PPF करके मैट में कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपको स्पॉइलर इसका एग्जैक्ट बॉडी कलर दिखेगा क्योंकि भैया ने PPF करवा रखी है। हाँ। तो बाद में जाएंगे वो करवा लेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स है, कोई दिक्कत नहीं PPF की। ठीक है, तो बैक से भी आपको देखो ये वाला मिलता है हैंडल। ठीक है, इसमें हमने रिक्वेस्ट सेंसर वाला ऐड नहीं करा हुआ, नहीं किया, बाकी चार एक सिंगल ही करते हैं फ्रंट डोर का, बाकी चारों को हम। ठीक है, पहले आप को पैसेंजर साइड भी पहले आता था, अब महिंद्रा वो भी नहीं दे रही साइड वाला, एक फ्रंट में दे रही है ड्राइवर डोर में, बाकी चार ऐसे किसे रहते हैं। ठीक है, तो बैक से ये देखो, बैक से कुछ इस टाइप की लुक है, नीचे रिफ्लेक्टर भी ऐड हो सकता था। हाँ, रिफ्लेक्टर भी ऐड हो सकता था, और कराना चाहे तो रियर गार्ड भी लग सकता है अगर लगवाना चाहे। ठीक है, रियर गार्ड भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी बैक से सेफ्टी के लिए। बाकी इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा इंस्टॉल करा हुआ है, पूरा देख सकते हो। ये देखो कैमरे की प्लेसमेंट हमने यहाँ करी है, ये कैमरा थोड़ा सा बाहर बाहर को आता है क्योंकि आपको वाइड व्यू दिखाने के लिए 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्रंट बैक साइड से तो दिखा दिया, अब इंटीरियर पे लेके चलते हैं। इंटीरियर भी चलो लेके, तो इंटीरियर में दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस करा है। इंटीरियर में जो इसका चेंजेस करा है, जो टॉप मॉडल वाला आता है वही करा है मोस्टली सारा। अब दिखा स्टार्टिंग से, पहले सबसे पहले डोर पे देखो आप, डोर पे इसके पावर विंडो की प्लेट पूरी पियानो ब्लैक की हुई है। ये हमने प्लेट चेंज करा है, इसमें मैट फिनिश में आता था। हाँ। स्विचेस भैया के पुराने वाले ही लगे हैं जो मैट फिनिश में होते थे। हाँ, बस सिर्फ हमने ये प्लेट चेंज करी है, और भैया ने जैसा मिरर लगवाया था उसमें तो ग्लॉसी मिलेगा ही उन्हें। हाँ, वो उसके साथ मैट नहीं आता, मिरर के साथ ये ग्लॉसी आता है, तो ग्लॉसी ही लगेगा। ठीक है, वही होगा इन फ्यूचर भैया का, अगर करवा लेते आज ही ये ग्लॉसी तो ज्यादा सूट करता है इसके अंदर। और इसके अंदर इनर हैंडल भी हमने ऐड करा हुआ है, वो भी रिप्लेसमेंट है पूरा। हाँ, ये पूरा रिप्लेसमेंट है, एक दो और ये तीनों पार्ट पूरे रिप्लेसमेंट है। ठीक है, जो कि टॉप मॉडल के रहते हैं। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट पार्ट हमने दिखाया अभी तक तीन। ये वाला है, ये अपने Z4 वेरिएंट से आता है, ये अपना Z4 वेरिएंट से आता है। हाँ, Z4 नहीं आता, Z6 से आता है, Z4 में नहीं आता। अब ये हमने Z6 में लगा दिया। ठीक है, Z2 में लगा दिया हमने इसको, Z6 बना दिया मतलब। ठीक है, Z6 डोर से तो आप देख लो, अभी से बाहर से कोई देखेगा Z6 कहेगा, Z2 कोई नहीं कहेगा। ठीक है, लेकिन एक कमी Z6 में भी नहीं मिलती, आप भूल गए, सॉफ्ट टच। ठीक है, ये हमें नहीं मिल पाता, मगर हम पांचों पीस में इसको लगा के देते हैं। ठीक है, ये हमने चार और सिंगल एक आर्मरेस्ट में लगाया होगा, टोटल 5 पीस होते हैं। 5 पीस सॉफ्ट टच करें, डैशबोर्ड भी रैप करा, आप दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ वाला पार्ट पहले दिखा देते हैं, यहाँ पे वेलकम लाइट भी लगवा सकते थे लेकिन लगवाया नहीं कस्टमर ने। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पूरा लेदर रैप करा हुआ है, जैसा हम इंटीरियर दिखाते हैं आपको वैसे ही आप सेम इसमें ब्राउन भी करवा सकते हो अगर आपको। हमने ब्राउन भी है, कई कलर कर दिया, अब तो मैंगो कलर कर दिया, रेड कलर कर दिया, वाइन कलर कर दिया, कम से कम 4 या 5 कलर हम कर चुके हैं, आइस ग्रे कलर कर दिया। आपकी सजेशन है क्या कलर देखना है तो आप वो भी बता सकते हो, वो भी दिखा देंगे। तो एक बार सोनू भाई उस साइड से आ जाओ, तो सोनू भाई उस साइड से आ रहे हैं, तो सोनू भाई के चढ़ने के लिए एक चीज लगवा दी है इसमें। मेरे क्या सभी के, हम तो लगा दिए, अब सब चढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये लगा, ये देखो ये पकड़ के चढ़ लो आप गाड़ी के अंदर, कितना सिंपल बना दिया, अगर ये ना हो चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन वगैरह बैठते हैं, सीनियर भी और बच्चे भी, कोई भी आराम से इसे पकड़ के अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये थोड़े से ओल्ड एज पीपल के लिए ज्यादा यूजफुल रहता है, कंफर्टेबल बैठ सकता है चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो। ठीक है,
सोनू भाई नहीं वो मान नहीं रहे ये बात कि सबको जरूरत है, ये बोलना चाह रहा हूँ। मतलब मेरा कहना है मतलब सबको जरूरत, आप ये देखिए ना, आप जैसे ये देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि एक तो गाड़ी की हाइट भी ऊंची है ना, थोड़ा चढ़ने के लिए भी होता है। अब मैं यहाँ पे बैठूंगा तो जैसे बैठना तो यू करके बैठना पड़ेगा। हाँ, अब ये आया तो सीधा बंदा आराम से बैठ गया, समझे। ये भी Z2 में देना चाहिए था, लेकिन Z2 वेरिएंट में नहीं मिल रहा। सब कुछ दे देंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये भी है। तो ये ग्रैब हैंडल्स हमने दोनों साइड इंस्टॉल करे हुए हैं, ये भी हैंडल कहते हैं हमने। ठीक है, आप भी बता सकते हो वैसा भी हैंडल लगवाना है। ठीक, तो सोनू भाई गाड़ी लेते ही अगर काम करवाते ही हैं हम, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सीट कवर की। तो सीट कवर भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल करे हैं। ये अपने कस्टमाइज है या रेडी टू फिट वाले हैं? कस्टमाइज है, कस्टमाइज वाले। ठीक है, इसकी फिटमेंट देख सकते हो आप, फिटमेंट कैसी है आप देखो ना। ठीक है, देखो बिल्कुल जीरो टू जीरो रिंकल ये फिटमेंट मिलती है हमें। ये नहीं कि हम आपको फ्रंट के दिखा रहे हैं, बैक की भी दिखा देते हैं एक बार। तो बैक से इसकी फिटमेंट देख लो, तो बैक की सीट्स भी आपको नीचे से, ये नहीं कि कारपेट नीचे लटका हुआ मिले, प्रॉपर टक इन अंदर रहता है। और ये सीट्स भी देख सकते हो क्वालिटी वाइज। ठीक है, कहीं से कोई कमी आपको नज़र आ रही है आप बता सकते हो आपको। तो आ चुके हैं इंटीरियर की तरफ, अब इंटीरियर से दिखाते हैं क्या करा हुआ है आज हमने। ये आपको दिखाएंगे स्टिचिंग, पूरा सिंगल टोन में ही करा हुआ है। सिंगल टोन में क्या होगा, कॉफी कलर में। अगर इसको ब्लैक भी करवा सकते हैं, डबल टोन में भी करा सकते हैं। ठीक है, एक अपना मून डिज़ाइन होता है जो कि ड्यूल टोन हमने दिखा रखा है काफ़ी वीडियोस में, और एक ये डिज़ाइन है आपको सिंपल रखना है स्टीयरिंग, तो ये भी करवा सकते हो आप। ये सेम सीट कवर के अकॉर्डिंग हमने सेम टेक्सचर करा है। बाकी सोनू भाई ये वाला पार्ट हमने आज पेंट नहीं करा सिल्वर, कस्टमर ने नहीं डिमांड करी, नहीं तो हम भी सभी करते। ठीक है, कराना हो तो ये भी, ये पार्ट भी सिल्वर हो जाएगा। और डैशबोर्ड पे जो एसी पार्ट है ये भी सिल्वर करवा सकते हो, जैसा हायर वेरिएंट्स में आता है। और इस साइड आपको दिख रहा होगा क्रूज वगैरह Z2 के अंदर, तो इसमें हमने राइट साइड का ही कंट्रोल ऐड करा हुआ है। रफ जो होता है मैट में वो लगा है, पियानो के बोला था कस्टमर को, कह रहा नहीं मुझे मैट ही लगा दो। ठीक है, तो भैया ने जैसा ये देखो यहाँ पे भी मैट छोड़ा है, यहाँ पे भी मैट छोड़ दिया, यहाँ भी, लेकिन प्लेट उन्होंने पता नहीं ग्लॉसी लगवा ली। उनकी डिमांड थी, मेरा लगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमने आपको मैट दिखा दिया, MID भी कंट्रोल हो जाएगी, यहीं से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, प्रॉपर काम करेगी सर। ठीक है, वरना आपको 16 लाख की गाड़ी लेके यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है, चलती गाड़ी में हाथ कैसे घुसाओगे। ठीक है, तो सोनू भाई ने भी ये सबसे पहले यही करवाया हुआ था, पहली चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कंफर्टेबल हो आपको, उसके बाद लग्जरी पे जाओ आप। ठीक है, तो बाकी एक चीज़ और ऐड हो सकता था, ये जो मीटर का फ्रेम है ना, इसे भी आप पियानो ब्लैक करवा सकते थे, मीटर को भी करा सकते थे पियानो ब्लैक, कई चीजें पियानो ब्लैक हो सकती थी, जैसे कंसोल पियानो ब्लैक हो सकता था। तो कंसोल भी, ये बीच का हमने आपको पियानो ब्लैक दिखाया, लेकिन सूट ज्यादा पियानो ब्लैक ही करता है, ये तो आपको ऐसे सस्ती सी लग रहा है इसमें। नहीं, सस्ती सी गाड़ी, और थोड़े दिन बाद इसमें डस्ट वस्ट जम जाती है और गंदा लगने लग जाता, वाइट वाइट हो जाता है। इसको बार बार आपको वाइप करते रहना पड़ेगा, वरना इसमें डस्ट गंदा दिखता है और वाइट वाइट सा होने लग जाता थोड़े दिनों बाद। इसकी जो फिनिशिंग है, ये पॉलिश मार के सिर्फ तभी क्लीन दिखता है। ठीक, और यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का सॉकेट के लिए ऐड करा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अडेप्टर लगा के डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। इस गाड़ी के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी चार्जिंग की, क्योंकि लास्ट रो में आता था सिर्फ। और सोनू भाई इसके अंदर हमने एंड्रॉयड भी चेंज करा हुआ है। हाँ, पूरा एंड्रॉयड भी चेंज करा हुआ है पूरा, ये देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो कोई भी गाड़ी ऐसी बची नहीं होगी जिसमें सब ने ना चेंज लगा रहा है, और 360 भी सब में लगा ही रहे हैं, अब तो मुझे चल ही रहा है 360 का मेला। ये देखो 360, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं ना आज आपको एक नई और चीज दिखाना चाहता हूँ, पहले 360 को पूरा कर लो। ठीक है, पहले ये दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये दोनों साइड के मिरर्स के व्यू हैं। ठीक है, ये राइट साइड का है, राइट साइड में भी आपको दिखा देते हैं टायर कटिंग का। ये देखो टायर दिखना शुरू हो गया, और लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट, और इस साइड का दिखाते हैं आपको, ये टायर दिख गया। ये देखो यहाँ से दिख रहा है टायर, मुझे नहीं दिख रहा, ये रहा। हाँ, दिख गया, दिख गया। ठीक है, तो ये आप पार्क वगैरह करते हो ना, काफी इजी हो जाता है। तो आपको पार्किंग में या लेन चेंज करोगे तब भी, जैसे आप राइट का इंडिकेटर दोगे, देखो तो राइट साइड का मिरर एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे हाई एंड गाड़ियों में आता है ना आजकल फीचर। लेफ्ट का तो लेफ्ट का हो जाएगा, और टायर भी बिल्कुल आपको एक्यूरेट 0 to 0 दिखाएगा। ठीक है, इसका यही फायदा है कि 360 का, जब आप गाड़ी किसी पार्क करते हो या कहीं लगाते हो, तो आप मतलब 1-2 इंची भी इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, आप इजीली देख सकते हो आपके टायर की अलाइनमेंट सीधी है नहीं है, सब तो काफी यूजफुल है। और कंपनी आजकल टॉप मॉडल्स में भी दे रही है अदर ब्रांड्स में। ठीक है, तो ये भी लगवा सकते हो आप, काफी अच्छा ऑप्शन है। ये तो हमने कर दिया, अब आप बता दो हमने क्या करा चेंज। अब मैं ना फर्स्ट टाइम इन इंडिया दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे वो लगाते हैं ना वायरलेस चार्जर। हाँ, तो बहुत जो पहले लगाते थे उसमें बहुत स्लो चार्ज करता था, कई कस्टमर हम भी लगाते थे, कस्टमर कहता था बहुत स्लो चार्ज कर रहा। आज मैंने अभी महिंद्रा जेन्युइन
वो आया है जो बहुत फास्ट चार्ज करता है, मतलब फास्ट क्या मतलब बहुत अच्छी तरह, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सोनू भाई एक नई चीज दिखा रहे हैं, तो सोनू भाई क्या है ये नई चीज? क्या वायरलेस चार्जर है महिंद्रा का, देख लो। ठीक है, वायरलेस चार्जर है ये, क्या है आपका इस पोर्ट पे लगेगा एक, यहाँ से आपने यूएसबी लगाई, ठीक है, और ये यूएसबी ये लगा दी ढंग से यूएसबी, ठीक है, मोबाइल रहा और ये मैंने दूर से कैच करता है, तो ये देखो मजे ले रहे हो आप, देखो चार्ज होना शुरू हो गया 91%। तो ये भी लगवा सकते हो, ये भी एक आ गया अपने पास, ये भी मतलब इसे कहेंगे क्या कहते हैं वायरलेस चार्जर प्लस मोबाइल, वो जो मोबाइल सर्विस जहाँ मर्जी ले जाओ, घर पे भी चार्ज कर सकते हो इजीली, आप इसको ले जा सकते हो, निकाल के घर पे ले जाओ, घर में चार्ज कर लो, गाड़ी में रख लो, पीछे भी कर सकते हो, पीछे चार्जर शॉक है तो पीछे, अगर वो अडैप्टर चाहिए, अडैप्टर मिल जाएगा तो आप पीछे से भी चार्ज कर लोगे, मतलब ये अभी तक पहली बार दिखाया होगा किसी ने। और ये मैंने लाडो में चार्ज करके देखा है, फर्स्ट टाइम उसमें ही लगाया था, मैंने दिखाया नहीं था, ठीक है, मगर मैंने इसको मैंने देख रहा था कि मतलब कैसे चार्ज करता है, बहुत अच्छा चार्जर है, ठीक है, पहले जो आते थे उससे तो बेस्ट है ये, ठीक है, जो पहले आते थे उससे काफी अच्छा है, ये भी अपने पास ऑप्शन आ चुका है, आप ले सकते हो, किसी को चाहिए तो वो भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ठीक है, तो ये भी इंस्टॉल करवा सकते हो आप। बाकी सोनू भाई इसके अंदर बस यही सारा काम था, बस यही था मेन बेसिक काम इन्होंने अंदर कराया, बाकी तो इन्होंने बाहर से बढ़िया काम कराया, अंदर था जो टॉप मॉडल वाला काम करा, इसके अंदर फ्लोरिंग हुई है क्रोकोडाइल और ऊपर 70 कॉफी कलर के डाले, ठीक है, मैट्स हमने देखो कॉफी कलर के मैटिंग्स हमने इंस्टॉल करी है, उसके नीचे फ्लोरिंग मिलेगी आपको, फ्लोरिंग ब्लैक है, ऑप्शन हमारे पास ब्राउन का भी है, तो कई ऑप्शन है इसमें, 9D है, 5D है और एक पत्थर वाली है, मतलब जो डिजाइन का नाम है वो आपको आओगे जब शॉप पे सारी चीजें दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो सोनू भाई एक सोनी का यहाँ पे वो भी लग सकता था, बिल्कुल लग सकता है, इसके अंदर सोनी का सेंटर स्पीकर और जाली दोनों लग सकते हैं, ठीक है, वो भी लगवा सकते हैं आप। तो एक बार कस्टमर का फीडबैक भी लेते हैं, उन्हें काम कैसा लगा? बहुत जरूरी है क्योंकि कस्टमर बहुत दूर से आया है, 1200 किलोमीटर गुजरात से आया है, ठीक है, तो उसका फीडबैक बहुत जरूरी है, इतनी दूर से हमारा नाम सुनकर आया है कि किस तरह से क्या काम होता है, ठीक है, तो एक बार फीडबैक उनका लेते हैं। और पूरा वन डे क्या, रात को गाड़ी दी थी 6-7 बजे, अब शाम को 6-7 बज रहे हैं, एक दिन में पूरी गाड़ी तैयार करके उनको दे दिए, ठीक है, पूरा जो ले लेते हैं उनसे उनको। सो फाइनली कम्प्लीट हो गई Z2 बोल सकते हैं, नहीं है, ठीक है, डुप्लीकेट, ठीक है, लाडली डुप्लीकेट बोल सकते हैं। तो भैया की गाड़ी रहने वाली है, तो भैया का नाम जानते हैं सबसे पहले? ये मेरा नाम रिजवान है। ठीक है, कहाँ से ट्रैवल करके आए हैं? हम गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से, तो कैसे पता लगा आपको जे ऑटो के बारे में? जी, ये वीडियो देखा हुआ था मैंने इसी तरह का एक, ठीक है, तो सोचा मैंने, फिर कॉल किया इनको, तो आ जाओ, कल रात को गाड़ी दी, ठीक है, अभी कंप्लीट भी हो गई है, कल 7:30 बजे गाड़ी दी थी एक दिन पहले, ठीक है। तो आपका पहले से प्लान था कि यही वाली PPF करवानी है सेम? हाँ, बस यही फिक्स ही था पहले से। नहीं, मतलब मैट फिनिश वाली आपने वीडियो दोनों देखा, वीडियो को देखा कि लुक कैसी आ रही है, तब प्लान करा आपने? वीडियो देखी हमारी लाडली, ठीक है, हमारी लाडली वाली वीडियो देखी, तब प्लान करा कि मैट में जाना चाहिए, ऑप्शन ग्लॉस में भी था इसमें, ठीक है, तो जैसा वीडियोस में दिखाते हैं वैसे ही काम मिला आपको? 100% किसी चीज़ की कमी कोई नहीं, परफेक्ट एकदम। तो वर्थ था गुजरात से ट्रैवल करके आना यहाँ तक? मतलब गुजरात से अब यहाँ पे आया, आपका सफल हो गया ना? सफल हो गया ना, अभी देखो ये टॉप मॉडल लेके जा रहा हूँ, बेस लेके आया था मैं, यही तो सुनना चाहते हैं हम, ठीक है, यही सुनना था मैं, बंदा बाहर से आए और बेस लेके जा रहा हूँ, टॉप मॉडल लेके जाए, ठीक है। और एक छोटी सी रेटिंग लेते हैं आपसे, 10 में से कितने देना चाहोगे? 10 में से 10 फुल मार्क्स? कुछ कुछ काटना है तो काट सकते हो, ऐसा तो नहीं हम बुलवा रहे हैं आपको, कटवाने के चक्कर में लग रहा था हमेशा, कुछ 10 on 10 है काम, 10 on 10 है, 11 भी कह रहे थे तुम्हारे, बोलते ही इन्होंने 10 on 10 कर दिया, ठीक है, नहीं इतना मिलना चाहिए, मैं तो सोचा था थोड़ा सा कम भी करवा लेता हूँ, काम बहुत बढ़िया करा, जैसे इन्होंने कहा वैसे ही करा, ठीक है, जो भी गुजरात साइड से देख रहा है आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल 100%, भाई को दिल्ली आना पड़ेगा गाड़ी तैयार करने, ठीक है, तो कुछ पड़े जय ऑटो गर्मा, खास गुजराती विजिट करो, ठीक है, भैया ने अपना मैसेज दे दिया। बाकी सोनू भाई कहाँ आना पड़ेगा लोकेशन? आना पड़ेगा जय ऑटो रामा रोड मोती नगर, नियर DLF कैपिटल ग्रीन, कैपिटल ग्रीन के सामने है, ठीक है, राजावगढ़ रोड रामा रोड, वहाँ पर आ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप का लिंक मिल जाएगा, आपका लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे दोनों, तो उस पर आप ले सकते हो लोकेशन, ठीक है, और स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा है, आप एक बार सोनू भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना NZ2 करके, रेट लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, रेट लिस्ट भी मिल जाएगी, लोकेशन मिल जाएगी, सारी डिटेल भी मिल जाएगी, आपको कैसे क्या काम कराना वो भी सारी चीज़ व्हाट्सएप पे हम समझा देंगे, ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।